हेलो एवरीवन, देखिए अब क्रिचॉफ्स का सेकंड लो, क्रिचॉफ्स का जो सेकंड लो है उसको हम बोलते हैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लो, या फिर हम बोलते हैं क्रिचॉफ्स मैश लो। ठीक है, तो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लो को हम क्या बोलते हैं, केवीएल भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना। जैसे जो पिछला लो था, फर्स्ट लो, वो क्या था, क्रिचॉफ्स करंट लो, केसीएल बोलते थे। यहाँ पर सेकंड लो है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लो, जिसको हम बोलते हैं केवीएल। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है, क्या है वो, क्रिचॉफ्स मैश लो। ठीक है, तो क्या कहता है ये, कहता है इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड ईएमएफ इन अ क्लोज लूप या मैश इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये कह रहा है जो एल्जेब्रिक सम है आपके पास वोल्टेजेस का एंड ईएमएफ का, तो मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ ईएमएफ एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, ये क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। क्लियर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये है एल्जेब्रिक मतलब, ठीक है, और यहाँ पर वी की वैल्यू में आई आर भी लिख सकता हूँ, कोई इसमें परेशानी बताओ, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा जो क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ था, जो हम करंट लॉ बोलते हैं, वहाँ पर एल्जेब्रिक सम किसका था, ऑल द करंट, और यहाँ एल्जेब्रिक सम किसका है, ऑल द वोल्टेजेस, क्योंकि देखो ईएमएफ भी तो एक तरह की वोल्टेज ही है। क्लियर है ना, बस यहाँ ईएमएफ क्या होगा, जैसे सेल या बैटरी लगी होगी उसका दिया होगा, वोल्टेज क्या होगी आपके पास, जो वहाँ रेजिस्टेंस होंगे उनके अक्रॉस वोल्टेज होगी, उनका सबका सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं बताओ। ठीक है, अब इस चीज़ को हम प्रूफ भी करेंगे, और प्रूफ जब हम करेंगे तो आपको ये प्रूफ अगर समझ में आ गया तो बस आगे सब न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे इससे रिलेटेड, और जो इसमें साइन कन्वेंशंस वगैरह यूज़ होनी है वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये है आपके पास, ये एक रेजिस्टेंस हो गया ये आपके पास, और ये हो गया एक सेल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक और ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाकर इसको भी एक सेल से कनेक्ट कर दिया, और सेल इस तरीके से लगाए हैं। ठीक है, क्लियर। इस सेल का ईएमएफ मान लो ये ई1 है, और इसका मान लो ये ई2 है। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस आर1 मान लो, ये वाला आर2 मान लो, और ये वाला आर3 मान लो, इस तरीके से समझो। ठीक है, अब देखो ज़रा, जब भी हम इसका प्रूफ करेंगे इस तरीके से तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि वी की वैल्यू मैंने आईआर क्यों रखी है, ओम्स लॉ से वी की वैल्यू होती है आईआर होती है, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव है सेल का, ये वाला नेगेटिव है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से बनेगी इसमें। ठीक है, मान लो इसमें करंट जा रहा है I1। क्लियर, इस वाले सेल को देखो, इसका टर्मिनल ये प्लस ये माइनस, और इसमें मान लो करंट जा रहा है I2। क्लियर, अब देखो ये वाली जो ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में जो करंट होगा वो कैसे जाएगा बताओ, ये वाला भी जाएगा और ये वाला भी जाएगा, तो इस ब्रांच का जो है मैं करंट लिख देता हूँ कि इसमें नया करंट आया I3। क्लियर है, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ A B C D E, और ये रहा F। बताओ समझ में आया कि नहीं, डायग्राम समझ में आया। अब देखो ज़रा, अब हम इसमें अप्लाई जब करेंगे क्रिचॉफ सेकंड लॉ तब कैसे करना है। देखो इसके अंदर आपने दो लूप ले लेनी है, ठीक है, मैश या लूप एक ही बात होती है। ठीक है, अब जब हम लूप चलाएंगे, देखो लूप चलाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप चला लो जो ये करंट की डायरेक्शन है इसी की डायरेक्शन में लूप, ठीक है, और या फिर इसके अपोजिट चलाओ, तो बेस्ट रहता है कि जो करंट की डायरेक्शन है ना उन्हीं में ही आप लूप चलाओ। ठीक है, तो जैसे लूप में मैंने ये चलाया कि इस तरीके से चलेंगे हम, यहाँ से इस तरीके से, और इस वाली में ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे चलेंगे, और इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे चलेंगे। क्लियर, तो देखो जरा यहाँ पर, बस ये अगर आपको समझ में आ गया ना, आगे के सारे न्यूमेरिकल कर लोगे आप। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। देखो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर KVL इन मैश, ये वाली मैच, देखो इसका नाम क्या होगा, देखो ऐसे चलेंगे ना A B E F A, तो यहाँ लिख लेते हैं हम A B E F A, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया ना, इससे डायरेक्शन पता चल जाएगी, A से B, B से E, E से F, F से A, इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमें लूप चला दी इस तरीके से। अब देखो जरा करना क्या है, देखो ये वाले जो टर्मिनल से करंट चलेगा प्लस से, ठीक है, तो जैसे करंट की जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाएंगे इन पर रेजिस्टेंसेस पे, ये प्लस है, ये वाला माइनस वाई, क्योंकि करंट चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर, इसमें देखो इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी कैसे चलेगा, यहाँ से ये प्लस और ये माइनस। क्लियर या नहीं, अब देखो चलते कैसे हैं इसमें। देखो जैसे मान लो यहाँ से चले हम, ठीक है, जो भी पहला साइन अकर हो जाए, देखो अब जैसे इस रेजिस्टेंस में चलना है, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, पहला साइन क्या आ रहा है, प्लस का, तो प्लस लिखेंगे, और करंट कौन सा जा रहा है इसमें, I1, तो I1 और R1। देखो ये वोल्टेज का ही फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है, तो प्लस का वी ये वाला बना I1 R1। अब आ जाओ इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस देखो यहाँ से जब ऐसे आ रहे हैं तो पहला साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का, तो प्लस का आ गया, और वोल्टेज कितनी है यहाँ ड्रॉप हो रही है, देखो ये I3 जा रहा है करंट, और R3 रेजिस्टेंस है, तो I3 R3। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में। अब देखो अब इधर से गए
अब ये देखो, ये जो सेल है इसका पहले क्या टकराया हमें, जब इधर से चले ऐसे माइनस आया है, समझ रहे हो? इस तरीके से देखना होता है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, सेल में यहाँ प्लस ले लेते हैं, नहीं मैं जो आपको कह रहा हूँ बस वैसे करते चलो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इस तरीके से जब हम चले तो यहाँ से ये पहला क्या टकराया, माइनस टकराया सेल का, ठीक है? तो माइनस का ईवन इक्वल टू जीरो। कहीं सोच रहा हूँ कि पहले ही जब हम यहाँ से चले तो प्लस का ईवन ले लेते हैं, नहीं जी ऐसे नहीं होता। जब हम चलते हैं तो ये देखो, पहले हम रेजिस्टेंसेस को देख रहे हैं, फिर हम इस सेल को देख रहे हैं, तो सेल को देखने में पहला क्या करूँगा, माइनस का करूँगा। ऐसे ही करना है हमेशा। ये इक्वेशन जिसको बनानी आ गई ना, बस उसके लिए तो कुछ नहीं है, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान बात बताइए आपको। पहले आपने क्या कर लेना है, करंट देख लो जरा, इसमें इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? और फिर इस ब्रांच का जो करंट होगा वो ऑब्वियस ही बात है इस वाली ब्रांच से भी आ रहा है और इस वाली से भी, तो इसका नया नाम दिया हमने I3, कहीं I1 ही ले लो इसको भी, ठीक है? और फिर जो आपको काम करना है वो क्या करना है, इन रेजिस्टेंसेस पे साइन लगाओ। करंट जैसे मूव कर रहा है, ये I1 ऐसे जा रहा है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। फिर I3 देखो, I3 इधर जा रहा है तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। फिर लूप चलाओ इसी डायरेक्शन में जो करंट की डायरेक्शन है। जब आप ऐसे चलोगे तो पहला साइन किसका कर हो रहा है, प्लस का। फिर अगला साइन किसका हो रहा है, प्लस का ही, तो प्लस का ही आ रहा है। फिर अगला साइन यहाँ पर सेल में माइनस का, और इक्वल टू जीरो। और यही हमारी डेफिनेशन थी, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड EMF इक्वल टू जीरो। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है? तो देख लो ये दोनों क्या हैं, VV है, ठीक है? ये एल्जेब्रा हो गया इनका, और ये EMF हो गया, और इक्वल टू ये जीरो, यही डेफिनेशन बन रही है। अब कहीं के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ तो प्लस है, तो वो कोई इशू नहीं है, यहाँ माइनस भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मैंने लिखा ना समेशन ऑफ ई माइनस समेशन ऑफ आई आर, वो डिपेंड करेगा, प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अगर ये माइनस होगा तो देखो वहीं से एक फॉर्मूला बनता है, समेशन ऑफ ई इक्वल टू में, अगर ये माइनस में उधर जाके समेशन ऑफ आई आर, ये प्लस का बन जाएगा। और यही आपके पास देखना, आप कई बुक्स में इस तरीके से ये डेफिनेशन बनाई हुई है कि सम एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, या एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, इस तरीके से। जैसे ये देखो एल्जेब्रिक सम ही हो गया प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और करंट का, I1 R1 I3 R3, ठीक है ना बात? अब ये माइनस भी हो सकता था किसी में, कोई जरूरी नहीं हमेशा प्लस ही रहेगा, इसलिए एल्जेब्रिक सम है। क्या समझ में आ रही है मेरी कहानी, ये बताओ बताओ, कोई परेशानी है तो कोई परेशानी नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी बताइए। मैंने आपको जिस तरीके से आपको कहा है ऐसे ही चलते रहो, ये इक्वेशन बनानी आ जानी चाहिए बस आपको, और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो बात या नहीं, ठीक है? तो चलो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से पहले अगर मैं इसमें I3 की वैल्यू पुट करना चाहूँ, देखो वैसे आपको देखने से पता चल रहा है I1 इधर से जा रहा है, I2 इधर से, तो I3 की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2। लेकिन फिर भी अगर मैं इस B जंक्शन पे अप्लाई करूँ KCL किरचॉफ्स करंट लो एट B, तो देखो क्या होगा, ये वाला जंक्शन, ये जंक्शन है देखो, इधर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, ये कौन से हैं, एंटर करंट, तो प्लस का I1 प्लस का I2, और I3 जाने वाला करंट है तो माइनस का I3 आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। लीविंग करंट है तो माइनस आया, तो देखो I1 प्लस I2 और ये I3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का I3। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो I1 प्लस I2, तो मैं यहाँ पर वो पुट कर सकता हूँ, तो देखो कर लेते हैं हम यहाँ पर पुट, देखो क्या आएगा, I1 R1 प्लस में I3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I1 प्लस में I2 और ये आ गया R3, क्लियर, और माइनस का E1 इक्वल टू जीरो। देख लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हो? इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, बन गई है फर्स्ट, बताओ कोई परेशानी नहीं इसमें। अब आ जाओ निचली लूप में, देखो नीचे यहाँ भी करो अप्लाई KVL इन मैश। अब देखो ये वाली मैश में आपने कैसे लगाई थी, इस तरीके से CBED, ऐसे चल रहे हैं ना हम इसमें, तो ऐसे लगाएंगे, लिखने का ढंग भी यही होना चाहिए, CBEDC। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है? अब देखो ज़रा अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है इस तरीके से, अब इसमें लगाओ ज़रा, बताना ज़रा खुद से। देखो ये करंट ऐसे जा रहा है तो यानी कि यहाँ साइन प्लस का होगा, यहाँ माइनस का होगा, फिर इधर गए, ये भी करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, क्लियर, इसी तरीके से। और हम लूप में इसी तरीके से चल रहे हैं तो पहला साइन अगर करना है, ठीक है? तो देखो जब ऐसे चल रहे हैं हम, यहाँ से ऐसे चले तो पहला साइन किसका आया, प्लस का, तो प्लस का I2 R2, क्योंकि वोल्टेज देखनी है हमें इसके अक्रॉस, ठीक। फिर ऐसे इधर गए, इधर क्या हो रहा है देखो, प्लस का I3 R3, पहला साइन प्लस का ही आ रहा है इस वजह से। फिर इधर गए देखो, अब सेल को बाद में देख रहे हैं तो माइनस का E2 इक्वल टू जीरो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, कोई दिक्कत है तो बता दो इसमें, ठीक है जी? क्लियर है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, इनसे बिल्कुल परेशान ना हो जाना कि डेफिनेशन में जीरो था और सम था, सम नहीं है सिर्फ, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक में प्लस भी आते हैं माइनस भी आते हैं, क्लियर है? वही चीज़ लगाते जा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है? और अभी अभी I3 की वैल्यू निकाल लिया आपने, वो यहाँ पुट कर देते हैं। देखो I2 R2 प्लस में I3 की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 और ये साथ में R3 माइनस का E2 इक्वल टू जीरो। इसको मान लो आप अब सेकंड इक्वेशन, ठीक है? अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, जैसे आपको क्लास 10th में अगर याद हो
इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे, कौन कौन से थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और कौन सा था हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड था, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो हमें यहाँ एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, वन टर्म को एलिमिनेट करना होता था, चाहे वो आप सब्ट्रैक्शन से करो, चाहे वो किससे करो आप, एडिशन से करो, ठीक है। तो देखो आपको याद होगा सब्ट्रैक्शन के ही केस करते थे हम मोस्टली, क्यों, क्योंकि देखो जरा ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, मैं यहाँ लिखता हूँ इस इक्वेशन को, देखो ये है आई वन आर वन प्लस में आई वन प्लस में आई टू, और ये है आर थ्री माइनस का ई वन इक्वल टू ज़ीरो, और इधर क्या है देखो, ये आपके पास आई टू है, ये आर टू है, और ये प्लस में आई वन प्लस में आई टू, और ये क्या है आर थ्री है, और ये आ गया माइनस का ई टू, ये क्या है ई टू है इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो देखो अब इसमें से एलिमिनेट देखो कोई चीज़ नहीं हो रही, ये भी प्लस में है, क्योंकि प्लस माइनस होती फिर एलिमिनेट होती है ना, कैंसिल हो जाती है, यहाँ भी प्लस प्लस है, यहाँ भी माइनस माइनस है, तो इसका मतलब ये एडिशन में तो नहीं जा सकता, एलिमिनेशन मेथड की रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये वैसे आना चाहिए आपको, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, फिर भी समझा रहा हूँ। देखो तो इसका मतलब मुझे यहाँ एलिमिनेशन करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, सब्ट्रैक्ट वन एंड टू। तो देखो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं, देखो सब्ट्रैक्टिंग वन माइनस टू ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये वन थी ये टू थी, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होते हैं, अगर एडिशन होता है तो ऐसे ही कर देते हैं हम, ठीक है, लेकिन एडिशन में ये कट नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो यहाँ से कोई एक टर्म, जैसे मान लो ये वाली माइनस की होती या ये वाली एक माइनस की होती, तो मैं एडिशन में ही रखता और कैंसिल कर देता, समझ रहे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, जैसे एक प्लस का टू एक माइनस का टू, ये क्या होता है कैंसिल हो जाता है ना, वो वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो साइन चेंज करने में, इसी वजह से मैंने सब्ट्रैक्टिंग किया, ठीक है। तो देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, और इधर का तो कोई टेंशन है ही नहीं, जीरो है, ठीक है। अब देखो जरा ये तो जीरो ही आएगा इधर, अब देखो यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, देखो ये आई वन प्लस आई टू आर थ्री, आई वन प्लस आई टू आर थ्री, ये वाला कैंसिल होगा। देखो और एक जो चीज़ मैं कह रहा था ना यहाँ पर, कि यहाँ पहले से ही माइनस होता तो ये कट जाता, ये तो कटते ही ना अगर चाहे माइनस भी होता, तो देखो ये आई वन आर वन है, ये आई टू आर टू है, ये सेम थोड़ी है, समझ रहे हो, एडिशन के केस में मैं अभी बोल रहा था ना कि ये वाली वैल्यू अगर माइनस में होती तो ये कट जाती है, ये वाली वैल्यू माइनस में होती तो कट जाती, कटती सेम वैल्यूज है ना, तो ये तो सेम है नहीं, चाहे यहाँ माइनस भी होता कुछ ना फर्क पड़ता, ठीक है ना। हाँ ये वाली अगर टर्म माइनस होती ना, ये आई वन प्लस आई टू आर थ्री, इसके आगे यहाँ माइनस लगा होता फिर हो जाता वो एडिशन में कैंसिल हो जाता, समझ रहे हो बात को। लेकिन अभी हमने क्या करना है, क्योंकि सब कुछ सेम था यहाँ पर और प्लस प्लस के साइन थे, तो वो कैंसिल नहीं हो रही थी वैल्यू, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया था कि साइन चेंज करके उसको कैंसिल किया जा सके। तो ये वाली चीज़ इसके साथ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या देखो यहाँ से आई वन आर वन, और ये क्या है माइनस का आई टू आर टू, ऐसे ही लिखूँगा, और इधर से देखो जरा क्या बचा, इधर से बचा आपके पास माइनस का ई वन और ये प्लस का ई टू, ये बचा, ठीक है। अब देखो इसका लिखने का ढंग देखो, यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो रही है, अब देखो कैसे हो रही है प्रूफ, देखो ये वाला पार्ट देखो जरा इसका आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू, ठीक है, ये एलजेब्रिक सम किसका हो गया, आई आर का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना एलजेब्रिक आई आर, या नहीं। और ये वाला देखो जरा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखो इस तरीके से लिख दूँ प्लस का ई टू और माइनस का ई वन, प्लस का ई टू माइनस का ई वन, इस तरीके से लिख दूँ, कोई परेशानी तो नहीं है, ई टू पहले लिख दिया और ई वन बाद में लिख दिया, और यहाँ लगाओ ब्रैकेट, तो ये देखो ये प्लस का क्या बन रहा है, समेशन ऑफ ई, नहीं बन रहा एलजेब्रिक सम ई एम एफ का, और एलजेब्रिक सम ये किसका है, वोल्टेज का। अब ये मत समझना माइनस है, एलजेब्रिक बोल रहा हूँ बार बार, तो माइनस भी चलते हैं वहाँ, प्लस भी चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये इक्वल टू जीरो, तो ये प्रूफ नहीं हो गया, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, ये देख लो समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू जीरो, और आई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ वी भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ई इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो जरा जो मैं ये कह रहा था आपको यहाँ पर बात, कि ये वाली चीज़ यहाँ माइनस में भी हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें यहाँ पे माइनस में हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ माइनस है तो ये उधर जाके आई आर प्लस में गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी वो चीज़ बन सकती थी, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, करना नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या इस वाली इक्वेशन के बाद आ जाओ यहाँ से, इस इक्वेशन के बाद, ठीक है, इस इक्वेशन के बाद अगर आप देखो यहाँ पर, देखो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वैसे ही समझाने के लिए, I1 R1 माइनस का I2 R2 माइनस में E1 प्लस में E2, ये आया था ना, ठीक है। अब देखो इसको, जैसे मैंने कहा था ये वाली तो एक टर्म हो ही गई थी यहाँ पर, ठीक है, इसको एक टर्म अगर मैं बनाऊँगा तो देखो ये तो हो गया I1 R1 माइनस का I2 R2, दिख भी रहा है या नहीं, दिख रहा है ना, हाँ। अब देखो माइनस यहाँ से मैं ऐसे लगाऊँगा तो E1 प्लस E2 नहीं लिख सकता, माइनस E2 रखूँगा अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बात समझ रहे हो। यहाँ पर तो देखो ये मैंने इधर कर दिया था, ये इधर कर दिया था, तो प्लस साइन इधर आ गया था, तो ब्रैकेट लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्लस बाहर हो, लेकिन यहाँ मैंने माइनस ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखो समेशन ऑफ आई आर माइनस समेशन ऑफ ई इक्वल टू जीरो,
लिख सकता हूँ या नहीं बताओ। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू में ये माइनस उधर जाके समेशन ऑफ ई बन गया, मतलब ये माइनस प्लस का बन गया। तो ये भी चीज़ आ सकती है, जैसे ये वाला था हमारे पास, समझ रहे हो बात को। तो मैंने आपको ये भी करके बता दिया कि इस तरीके से भी ये चीज़ यहाँ से ही प्रूफ होती है। लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये वाली चीज़ ध्यान में रख के चलो, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ से ये प्रूफ किया हमने, इससे क्या होता है आपका ये वाला जो है ना फंडा, ये क्लियर रहता है इधर से इक्वेशंस वाला, ठीक है। नहीं तो मैंने तो सिर्फ आपको ये इसलिए बताया कि कहीं बुक्स में आप परेशान ना हो जाओ देख के कि ये चीज़ दी हुई है। तो ये चीज़ भी है, ठीक है, लेकिन ये कैसे आई है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया प्रूफ करके, ठीक है। अब ये तो नहीं कहीं को लग रहा कि यहाँ तो ई इधर लिखा हुआ है, आई आर इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आई आर इधर है, ई क्लियर है ना, इतनी तो समझ रखते ही हो। ई इधर भी लिख सकता हूँ और आई आर उधर भी लिख सकता हूँ, तो बात समझ रहे हो। तो लिखने का ढंग है इसमें, आप कैसे करते हो, क्लियर हो रही हैं बातें या नहीं हो रही हैं बता दो। बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो अब मेन बात पे हम आ रहे थे, जैसे मैंने क्रिचॉफ्स करंट लॉ में आपको बताया था कि वहाँ वो सिग्निफाई क्या करता था कि कंजर्व है चार्ज, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सिग्निफाई करता था। तो ये लॉ किसको सिग्निफाई करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम ये लाइन, यहाँ पर तो जगह नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक नोट करके बात, क्या कि दिस लॉ सिग्निफाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये वन मार्क में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ क्या सिग्निफाई करता है या सेकंड लॉ क्या सिग्निफाई करता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिग्निफाई करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यही होती है। अब देखो यहाँ पर हमने जब बोला एलजेब्रिक ईएमएफ और एलजेब्रिक वोल्टेज, ये सब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो ये जो ईएमएफ या ये जो वोल्टेजेस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, एक तरह का एनर्जी का काम करते हैं ना, क्योंकि जितना ईएमएफ ज़्यादा या वोल्टेज ज़्यादा उतना वो क्या करेंगे, तेज़ी से मूव करते हैं, सीधी सी बात है। तो एक एनर्जी का लेवल हो गया उनका। तो अगर इस चीज़ को हम देख रहे हैं तो आप खुद सोचो, जब हमने यहाँ इक्वल टू ये जीरो लिख दिया, समझ रहे हो, ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी चेंज हो रहा है वोल्टेजेस के अंदर उन सब का सम इक्वल टू क्या आ रहा है, बाद में जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, वो उतनी की उतनी है। क्योंकि देखो चेंज में क्या होगा, चेंज में जैसे हमने कहा कि ऑल द वोल्टेजेस का सम जो है वो जीरो के इक्वल है, तो देखो जितना भी है ये हमारे पास V1 प्लस V2 या माइनस V3 माइनस V4 प्लस का V5, ऐसे कितना भी चेंज हो जाए वोल्टेजेस में, वो सब किसके इक्वल होने वाला है, जीरो के इक्वल होने वाला है। और अगर इसमें हम कहते हैं कि ई भी जोड़ें, ठीक है, ई का, तो ई वाले भी जुड़ जाएंगे, E1 हो गया ये माइनस का ये E2 माइनस E1, इस तरीके से ये भी सब इसमें ऐड हो गया अलजेब्रा में, ये भी सब क्या है, जीरो के इक्वल है। या ये कंडीशन याद रख लो, समेशन ऑफ E इक्वल टू क्या है, IR के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जितनी एनर्जी थी उतनी ही वहाँ पर भी जो वोल्टेज ड्रॉप में जो हो रही है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस में जितनी भी हुई मिला के, उन सबको अगर मिलाएंगे हम तो वो EMF के इक्वल ही रहने वाली है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखनी है, यहाँ एनर्जी का कंजर्वेशन की बात हो रही है और फर्स्ट लॉ में किसकी बात होती है हमारे पास, बताओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ रहे होंगे चीज़ों को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। अब देखो अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि अगर ये वाली लूप्स हम उल्टी चला दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या वह उस तरीके से करें तो आंसर नहीं आएंगे, आ जाएंगे आंसर, लेकिन वही बात हो जाएगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा भी क्या, मतलब वो कहते हैं ना, एक चीज़ जब आसानी से हो रही है तो मुश्किल वाली बात करनी क्यों है। लेकिन फिर भी जिनके अंदर है कि नहीं ऐसा कैसे करके दिखाओ, ठीक है, तो उनके लिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो ये वाला ही डायग्राम बनाऊँगा, ठीक है, जिसको करना है वो कर सकता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएंगी बातें जो मैं समझा रहा था, ठीक है। तो मेन होता है इसमें इक्वेशन को बनाना, ठीक है। जैसे ये मान लो ये R1 था, ये था एक, और ये आपके पास R3 था, और ये था आपके पास R2, और ये, ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, ये R2 था, क्लियर है, और ये था A B C D E, और ये रहा F, क्लियर। अब देखो ज़रा, अब इसमें हम लूप चलाएंगे, ठीक है। तो लूप जब चलाएंगे तो आप इधर भी ध्यान देते रहना और इस वाले पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो देखो इसमें लूप चलाई थी हमने इस तरीके से, ठीक है, और मैं इसमें लूप चलाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। अब उल्टी लूप चला के दिखाऊंगा जैसे इसमें चलाएगी, ठीक है, करना नहीं है इस तरीके से, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो करंट तो उसी तरीके से जाएगा, इसमें कौन सा करंट जाएगा, यहाँ I1 जाएगा, और इस इधर से इसमें कौन सा जाएगा, I2 जाएगा, और इस वाले से इन ये दोनों मिलके इसमें जाएंगे, ठीक है। और वो कौन सा था, I3 करंट था, और हमने KCL लगा के B पे हमने बताया भी था I3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, I1 प्लस I2 आई थी, ठीक है। अब इनके साइन देख लो, ये प्लस का आएगा माइनस का, करंट ऐसे जा रहा है,
इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। नीचे जाएं अगर हम, ये वाला प्लस है ये माइनस, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, इसमें ऐसे ही जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ लगाते हैं, हम लूप उल्टी चला रहे हैं। हम लूप उल्टी चलाने का मतलब क्या है, पहले ऐसे चलाई थी, अब मैं ऐसे चलाऊंगा उल्टी, करंट की डायरेक्शन से अपोजिट, तो देखना अब समझ में आएगा आपको। तो हम यहाँ लिखते हैं इनक्लोज्ड मैश, अप्लाई करेंगे हम KVL, कैसे चलाई है अब हमने, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से चला रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं ए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलाइए ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको ई बी ए एफ ई, देखो ई बी ए एफ ई, इस तरीके से, ठीक है। अब बताओ, देखो ये पहली टर्म यहाँ से देखो, जब हम ऐसे चल रहे हैं लूप में, अब ऐसे चल रहे हैं, तो पहला साइन क्या कर हो रहा है, माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे, और करंट है इसमें आई थ्री, तो आर थ्री आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर इधर भी साइन कौन सा कर हो रहा है, माइनस का, तो इसमें लिखेंगे हम आई वन आर वन, क्योंकि करंट ये कौन सा है, आई वन वाला है, ठीक है। फिर इधर देखो ये सेल का कौन सा टकरा रहे हैं, पहले प्लस का, तो ये प्लस का ई वन आ गया, एंड इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है। और आई थ्री की वैल्यू रख दो यहाँ, क्या आएगी, आई वन प्लस में आई टू आर थ्री माइनस में आई वन आर वन प्लस में ई वन इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आ जाओ नीचे, पहले हम कैसे चले थे इसमें, करंट की डायरेक्शन में ऐसे, अब चलते हैं उल्टा, ऐसा चलते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत बता दो, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे इनक्लोज्ड मैश, कौन सी है ये, ई बी सी डी ई, इस तरीके से जा रहे हैं, ई बी सी डी ई, पहले कैसे गए थे, ऐसे ऐसे गए थे, ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। तो देखो अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ से देखो अगर इस तरीके से चल रहे हैं ना, तो इस तरीके से जा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो पहला साइन क्या कर हो रहा है, हम माइनस का, तो माइनस का आई थ्री आर थ्री आ गया, फिर इधर ऐसे आ रहे हैं तो माइनस का आई टू आर टू आ गया, और इधर प्लस का ये ई टू आ गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई थ्री की वैल्यू पुट कर दो, आई वन प्लस आई टू है वैल्यू, और आर थ्री माइनस में आई टू आर टू प्लस का ई टू इक्वल टू में जीरो, ठीक है। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ज़रा इनमें सेम टर्म देखो कौन सी है, ये वाली है सेम टर्म, ये वाली, ये दोनों है ना, आई वन प्लस आई टू आर थ्री, ठीक है। अब ये दोनों सेम टर्म अगर है, इनको कैंसिल करना है हमें, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को, तो दोनों ही माइनस है, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ साइन चेंज हो जाए। सब्ट्रैक्ट वन माइनस टू, तो देखो अब क्या होगा, माइनस का ये है आई वन प्लस आई टू, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं पहले, माइनस का आई वन आर वन प्लस का ई वन इक्वल टू में जीरो, और ये है हमारे पास आई वन प्लस में आई टू आर थ्री माइनस का आई टू आर टू प्लस का ई टू इक्वल टू में जीरो, ठीक है। अब देखो सेपरेट करना है तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, इधर तो जीरो ही है, इधर कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो जरा ये कैंसिल, ठीक है, एक टर्म माइनस में एक टर्म प्लस में कैंसिल हो गई, ये बची आपके पास, ये क्या टर्म है देखो, ये है माइनस का आई वन आर वन प्लस का आई टू आर टू, और ये क्या है प्लस का ई वन, और ये माइनस का ई टू, ये है ना जो साइन चेंज हुए हैं बाद में, वही वाले लगाऊंगा ना मैं, जैसे आई टू आर टू का प्लस हुआ तो प्लस लगाया, ई टू का माइनस हुआ तो माइनस लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो ये क्या समेशन नहीं बन रहा, ये चाहे माइनस का है ये वाला प्लस का है, लेकिन है तो ये अलजेब्रिक सम, तो मैं यहाँ इनको ऐसे ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखो, या इसको ऐसे लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो आई टू आर टू माइनस का आई वन आर वन एक ही बात है, और ये है प्लस का ई वन माइनस का ई टू, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो ये क्या है, समेशन ऑफ आई आर है, और ये समेशन ऑफ ई है इक्वल टू जीरो, इससे भी वही बात हो रही है प्रूफ, या इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ ई इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें, कोई भी परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है जी। अब देखो इसमें भी अगर ये वी और ई वाला इक्वल करना है हमें फंडा, तो देखो इसमें कैसे हो सकता है, ये देखो यहाँ से अगर आप देख रहे हो, ये है आई वन आर वन और ये आई टू आर टू, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस तरीके से, माइनस का आई वन आर वन प्लस का आई टू आर टू, ठीक है, ये वाली टर्म से कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता यहाँ पर, माइनस का ई टू पहले लिख लिया, ठीक है, और ये है प्लस का ई वन, इस तरीके से। अब देखो ज़रा अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आई टू आर टू पहले लिख लिया प्लस का, ये माइनस का आई वन आर वन एक ही बात है, ठीक है। और ये माइनस मैं जब कॉमन लूँगा यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो ये वाला जो ई टू है ऐसे, और ये माइनस का क्या बन जाएगा, ई वन बन जाएगा, और ये इक्वल टू जीरो चल ही रहा है। ये देखो ये तो समेशन ऑफ आई आर है ही है, ये माइनस में समेशन ऑफ क्या बन गया, ई इक्वल टू जीरो, देखो एलजेब्रिक समय तो माइनस है फिर भी हम ई लिख रहे हैं इसको एलजेब्रिक, ठीक है। तो समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू में इधर जाके समेशन ऑफ ई आ जाएगा, बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ कोई परेशानी है, तो देख रहे हो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। तो आपको मेनली
जो न्यूमेरिकल्स करोगे आप तो उनमें आपको इसी तरीके से चलना है, जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप लूप चला के चलोगे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा और आप क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ आपकी होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसके न्यूमेरिकल देख लेना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। न्यूमेरिकल सारे देखने हैं आपने, सारे करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको ये थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर इसको बोरिंग भी लग रही है वो भी बोर नहीं होगा फिर। क्लियर? अच्छा, इसमें ना बच्चों को कईयों को ये भी दिक्कत आती है, वो पूछते हैं कि यहाँ जो इक्वेशन ये बनी है ये अलग आई है और यहाँ पर जो बनी थी ये अलग आई है, ऐसा कैसे? अगर सेम ही है सब कुछ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर क्या हो रहा है? तो देखो, वो यही इक्वेशन है, देखो इसको मैं यही इक्वेशन बना सकता हूँ। देखो कैसे, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, देखो माइनस का आई वन आर वन, ठीक है, ये जीरो से इधर लेके जाऊँगा मैं, तो देखो क्या होगा, ये माइनस का आर वन क्या बन जाएगा, प्लस का आई वन आर वन, और ये आई टू आर टू उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का आई टू आर टू, ठीक है, और ये प्लस का ई वन क्या बन जाएगा उधर जाके, माइनस का ई वन, और ये ई टू माइनस का क्या बन जाएगा उधर जाके, प्लस का ई टू बन जाएगा, समझ रहे हो? जीरो से उधर, और मान लो ये जीरो इधर है, बात आ रही है समझ, इक्वल टू से उधर ले गया तो यही नहीं बन गई? ये देखो, इसको मैंने पूरी को चेंज कर दिया, और देख लो ये इक्वेशन मिला लो यहाँ से, ये वाली क्या है, आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू, आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू, माइनस का ई वन प्लस का ई टू, माइनस का ई वन प्लस का ई टू, समझ रहे हो ना बात? और अगर ये चीज़ लेकर आके यहाँ से करना चाहते हो कंटिन्यू, तो ये बिल्कुल सारा यही होने वाला है, क्योंकि इक्वेशन मैंने आपको सेम बताई दी है। ये सिर्फ मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, कि कहीं होगा जब उनका नहीं भी होगा ना डाउट, उनका आ गया होगा आप मेरी बात सुन के, ठीक है, तो ये चीज़ में कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन आई है ये अलग आई है और ये अलग आई है, तो ये वाली इक्वेशन को मैंने यही बना दिया जो ये थी। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, फंडे क्लियर रखो अपने। क्लियर है जी? करें फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट। ओके, थैंक यू।